तो ये अपन ने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको अपन बाय फैक्टराइजेशन मेथड अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके लिए मैंने कौन सी अप्रोच अपनाई, परफेक्ट स्क्वायर मेथड वाला। तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे जो मैंने डिनोट किया अल्फा और बीटा, इनको अपन आगे चल के बोल देंगे रूट्स, ठीक है। रूट्स अब मैंने लिख दिया इधर, अल्फा क्या है और बीटा क्या है, ये मैंने इस साइड लिखा हुआ है। तो ये अल्फा बीटा ये आगे चल के अपने रूट्स बन जाएंगे, और ये रूट्स आपके क्वाड्रेटिक में बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं, ठीक। तो अब अपन नेक्स्ट स्टडी करते हैं, वह है आपका रूट्स ऑफ दी पॉलिनोमियल, रूट्स, या फिर मैं बोल दूँ जीरोज भी बोलते हैं इनको, जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल। ये क्या होते हैं, इसमें क्या रहेगा कि रूट्स या जीरोज आर वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एट विच द पॉलिनोमियल वेनिसेज, एट विच द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन वेनिसेज। ठीक, दैट मीन्स रूट्स या जीरोज आर वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एट विच द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन वेनिसेज। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप मान के चलो लेट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा बी द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल एक्स, देन पी ऑफ एक्स की जगह तुम अल्फा रखोगे ना, तो दैट वैल्यू विल वेनिस का होने का मतलब क्या है कि उसका वैल्यू क्या बन जाएगा, जीरो। तो वो आपका क्या बनेगा, पॉलिनोमियल का रूट बन जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, पॉलिनोमियल आपका कहाँ क्या होगा, एक्स में या वेरिएबल वाई में या वेरिएबल जेड में या वेरिएबल थीटा में, किसी ना किसी में होगा ना। उसमें जिस वेरिएबल की वैल्यू पे आपका पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो जीरो बन जाए, तो जो वैल्यू है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो आपका क्या ख्याल बनता है, रूट्स बनता है। तो अब जैसे मैंने अभी लिखा रूट्स के बारे में, तो ये आपके रूट्स होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल पुट कर दूं सिंपल सा कि रूट्स का क्या मतलब है। जैसे मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया, ये कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है मेरा x+1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये सिमिलर है, और इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ठीक, x+1 और x+1। दैट मीन्स हो क्या रहा है, रूट्स बताता हूँ अभी, रूट्स हैं दैट मीन्स कोई भी पॉलिनोमियल के एग्जैक्टली दो ही रूट होंगे, ठीक है। अगर इसकी इनफाइनाइट रूट है दैट मीन्स इसकी इनफाइनाइट वैल्यू है, तो ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, तुम्हारा आइडेंटिटी बन जाएगा। ये अपन आगे डिटेल में देखेंगे। अभी यही याद रखो कि रूट्स होने का मतलब क्या है कि अगर 2 डिग्री है तो उसके दो ही रूट होंगे, इधर दोज रूट्स विल बी इक्वल जैसे इस केस में आ रहा है, और द रूट्स विल बी रियल बटे डिस्टिंक्ट, और द रूट्स विल बी इमेजनरी, इस टाइप से होंगे, बट रूट आपके दो ही होंगे। अगर एक्स की इन्फाइनेट वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इसको, दैट मीन्स दैट दिस एक्सप्रेशन विल बिकम द आइडेंटिटी। उसके बारे में अपन स्टडी बाद में करते हैं। तो ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसमें ऑब्जर्व करने पे अपने को पता लग रहा है कि अगर मैं एक्स इक्वल्स टू -1 पुट कर दूं इस पॉलिनोमियल में, जिसको मैं ऐसे दे देता हूँ नाम, दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, -1 रख के देखो इसमें, जैसे इसमें रख दिया मैंने, तो क्या होगा, -1+1 का होल स्क्वायर, चलो इसी में रख दो, क्या बना, 0 to the whole square विल बी 0। दैट मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस रखने पे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ रहा है, 0। अगर 0 आ रहा है दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू -1 इज द रूट और द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे अपने को देखना होगा रूट्स के बारे में। तो इसके बारे में अपन और आगे डिटेल में स्टडी करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो अभी अपन यही देखते हैं कि पॉलिनोमियल के रूट्स का होने का मतलब क्या है, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस पे आपका पॉलिनोमियल 0 बन जाए। ये हुआ, आई थिंक सफिशियंट बता दिया मैंने।
चलिए तो अब देखते हैं आगे कि जो वापस एक्सप्रेशन उठा लेते हैं उसको जो मैंने लिखा था, क्या एक्सप्रेशन था वो? वो था आपका कि अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको मैंने किसके इक्वल लिख दिया था, ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा के इक्वल लिख दिया था, ठीक। अब ये यहाँ पे क्या क्या होता है तो देखिए, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ थोड़ा सा और, या फिर मैं बोल के चलूँ कि यहाँ से मैं इसको उठा दिया पॉलीनोमियल को, ठीक है, एक बार यही पॉलीनोमियल देखना ना जो मैंने फैक्टराइज किया। मान लो पॉलीनोमियल आपका ऐसा है, अब सोच के देखो कि अगर तुम इसमें एक्स इक्वल टू अल्फा पुट करो तो क्या बनेगा। देखो यहाँ पे एक्स इक्वल टू अल्फा पुट करोगे तो अल्फा माइनस अल्फा जीरो, द होल एक्सप्रेशन विल बिकम जीरो, दैट मीन्स पी ऑफ अल्फा विल बी जीरो, दैट मीन्स ये क्या बन रहा है आपका, एक रूट बन रहा है। दूसरा रूट क्या बन जाएगा, एक्स इक्वल्स टू बीटा, तो कौन से रूट आ गए, ये दो रूट आ गए, तो अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ द पॉलीनोमियल। इस तरीके से आपके रूट्स निकाले जाते हैं, इसलिए मैंने बोला था ना कि अल्फा बीटा कुछ नहीं है या इसके रूट्स ही हैं। दैट मींस क्या करना है, पॉलीनोमियल को अगर आप फैक्टराइज कर दो, जैसे इस तरीके से मैंने फैक्टराइज किया, तो फैक्टराइज करने के बाद जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो एक्सप्रेशन, जैसे इस एक्सप्रेशन में अल्फा और बीटा आ रहे हैं, ये क्या बन जाएंगे, इसके रूट्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं रूट्स को। अब देखिए रूट्स आ गए क्या, अल्फा और बीटा। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन अपन जनरेट करने जा रहे हैं, वो देखिए क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इसको मैं वापस ओपन करना चाहूँ सिर्फ इसको, तो देखिए ये पॉलीनोमियल है, इसको मैं सिर्फ इस एक्सप्रेशन को चलो मैं लिख ही देता हूँ। अब मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ, तो दिस विल बी द सिमिलर, किसके ए बाहर रखा मैंने, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फा एक्स, या फिर माइनस एक्स अल्फा, ठीक, और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, ये बना, ठीक। अब इस एक्सप्रेशन को और थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, ए अब इसको देखो क्या बना, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या देखो, इन दोनों में देखो नेगेटिव नेगेटिव कॉमन आएगा बाहर, नेगेटिव, ये ए से मल्टीप्लाई है तो ए, इन दोनों में देखो एक्स कॉमन है तो मैंने बाहर एक्स ले लिया, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, अल्फा प्लस बीटा एक्स बन जाएगा, ठीक, और लास्ट में अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए, ठीक, ऐसे हुआ। अब क्या करो, ये एक्चुअल में कोएफिशिएंट किसके इक्वल था स्टार्टिंग में, ये मेरा किसके इक्वल था, इसके इक्वल, तो मैं उसको भी लिख देता हूँ इधर, चलिए लिख देता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब क्या करो, ये जो मैंने बीच में लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है, सिमिलर लिखा है, सिमिलर होने का मतलब क्या है कि दोनों तरफ क्या चीज़ लिखी है मैंने, सेम ही थिंग लिखी है, सेम ही चीज़ लिखा है, दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है, सेम है, तो इसमें एक अप्रोच अपनी ये लेके जा सकते हैं, क्या, कंपेयर कोफिशियंट्स, कंपेयर कोफिशियंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट कंपेयर करो, एक्स के कोफिशियंट कंपेयर करो एंड कांस्टेंट के कोफिशियंट कंपेयर करो, तो देखो क्या क्या मिलता है। जब एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट है उनको कंपेयर करने पे आपको क्या मिल रहा है, इधर क्या है ए, उधर क्या है ए, क्या दोनों इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की कोफिशियंट कंपेयर करो, एक्स की कोफिशियंट क्या है, इधर बी है, उस साइड क्या है, माइनस ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, ठीक। अब यहां से मैं एक चीज लिख दे रहा हूं, उसको देखना क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, यहां से नेगेटिव बी बाई ए, ठीक, इस पे आऊँगा मैं, क्या लिखा है मैंने, ऐसे ही क्या करो, x का हो गया, अब कॉन्स्टेंट के कंपेयर कर लो, कॉन्स्टेंट के कंपेयर करो, इस साइड क्या है c, उस साइड क्या है कॉन्स्टेंट में a अल्फा बीटा,
तो यहाँ से क्या निकल गया है मेरा, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। इन दो चीज को अगर आप नोटिस करो तो आपको क्या देखने को मिल गया है यहाँ से, ये कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है। देखो ऊपर मैंने बोला है तुमको प्रोडक्ट ऑफ रूट है, ये क्या होगा सी बाई ए होगा। ये क्या है, सम ऑफ रूट्स है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं तुमको कि जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है और सम ऑफ रूट्स है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो ये इस अप्रोच से आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं। तो होपफुली अभी आपको आइडिया लगा होगा कि किस चीज़ को कैसे डील करना रहता है ना। तो इस तरीके से रूट्स बोला था मैंने अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा सम ऑफ रूट्स क्या आता है, माइनस बी बाई ए आता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए आता है।